तो स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में हूबहू हो सकता है। सेम इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो कीजिए आप, और एग्जाम में ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, इन सभी का पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी के जितने भी प्रैक्टिस सेट के वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में एक बार जाकर जरूर देख लेना है, क्योंकि बहुत सारी इसमें वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास राज्यपाल को यहाँ पर नियुक्ति करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से किस नदी को भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? गोदावरी नदी का है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? समानता का अधिकार जो है एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है। हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं, बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जाँच करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के GDP की गणना की उत्तरदायी है? केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभाग। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा है? मनमोहन सिंह द्वारा चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा गया है। डैश वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा जापान, जो टोक्यो में हो चुका है। सुधीर धर डैश के लिए प्रसिद्ध है, कार्टून ड्राइंग के लिए सुधीर धर प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? गुजरात में इसे उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में जोड़ा गया है। विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है रक्षा बलों को बनाए रखना, ये सरकार की जिम्मेदारियों को प्राथमिक है। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? बैलों से लड़ाई के लिए संबंधित है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करते बिल्कुल सही दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के डांसिंग गर्ल की मूर्ति डैश में डाली गई थी, कांस्य में ढाली गई थी। पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है, द्विखंडन विधि द्वारा पैरामीशियम प्रजनन करता है। कॉफ़ी की अरेबिका किस में निम्न से किस राज्य में नहीं उगाया जाता? उड़ीसा में नहीं उगाया जाता, जबकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये सभी में उगाया जाता है। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है? विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। रेगुर मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस यात्रा मात्रा के इकाई मीटर पर सेकंड का उपयोग किया जाता है? त्वरण का जो है सही मात्रक होता है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली को क्या कहा जाता है? नागर शैली। और द्रविड़ से जो दक्षिण भारत का और वेसर शैली जो है बीच में पंचायतर शैली को ही वेसर शैली कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भांगड़ा जो है ये लोक नृत्य जो पंजाब का है, ओडिसी हो गया, मोहिनीअट्टम, कथकली, ये सभी शास्त्रीय नृत्य है। तो जितने भी 25 क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो गए, चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के करने करते हैं। इसमें टोटल हम 75 जीके के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तटस्थ विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियाँ सरकार के किस नीति से संबंधित है? राजकोषीय नीति से संबंधित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए हैं? सिंधु नदी के किनारे बसाए गए हैं। पुरुषों के MA एकल प्रतिस्पर्धा में सैयद मोदी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन खिताब 2018 किसने जीता था? समीर वर्मा ने जीता था। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? ओडिशा में है रत्नागिरी मठ। प्रख्यात अर्थशास्त्री के अनुसार स्तंभकार डैश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद की अंशकालिक सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है, सुरजीत भल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। झुमूर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रारंभिक नृत्य रूप है? असम का है। बीसन सिंह बेदी किस खेल के लिए महान भारतीय खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं बीसन सिंह बेदी। किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र वन का है। श्री सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? 1994 में जीती थी। हेमिस त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हेमिस त्यौहार मनाया जाता है। दाब के मापन के लिए SI इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? अमेरिका का संविधान जो है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? कुमार गुप्त के शासन में स्थापित किया गया था। सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक थे। निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? अरवरी नदी जो राजस्थान की है सबसे छोटी नदी माना जाता है।
अरविंद अडिगा को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला है? द व्हाइट टाइगर के लिए मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा निशाचर जानवर है? चमगादड़ जो है निशाचर जानवर जो रात में घूमता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2009 में अधिनियमित किया गया था। 2018 तक निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे घनी आबादी वाला शहर है? टोक्यो शहर सबसे घनी आबादी वाला है। वह कौन सी घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया? गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में NPS कोष में केंद्र सरकार के अंशदान को 10% बढ़ाकर कितना कर दिया? 14% कर दिया। खाना पकाने के सामान्य घटक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? शटर बट्टस जो है सबसे दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया था? उगाथा क्रिस्टी द्वारा लिखा गया था। भारत जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ के अनुच्छेद 21 के भाग डैश रूप में अधिकार मान्यता प्राप्त है? पानी जो है एक जो है राइट टू लाइफ के लिए अधिकार प्राप्त है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए 25 क्वेश्चन और करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार एंड पीस की पुस्तक किसने लिखा है? लियो टॉलस्टॉय द्वारा वार एंड पीस पुस्तक लिखा गया है। केंद्रीय बजट से पहले डैश आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है? एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुआ है? आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुआ है। गीता गोपीनाथ किस संस्था से मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा कोष महिलाओं सुरक्षित अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं दिया गया है? यह कार्यस्थल पर की गई हिंसा पर भी लागू बिल्कुल गलत दिया गया है। एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे को गुणों को डैश की उनकी क्षमता है निष्प्रभावित करने की क्षमता है। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में डैश राजवंश द्वारा किया गया था? काकतई राजवंश द्वारा गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया गया था। 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है? 5 लाख रुपया है। 2022 के फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश कौन सा है? कतर देश है जो हो चुका है। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासन में आक्रमण किया था। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में जीता था। अभी जो वर्तमान में हुआ था टोक्यो ओलंपिक उसमें क्या कौन सा पदक जीता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है, शिफ्टिंग खेती के नाम से भी झूम कृषि को जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? पशु का मांस प्रमुख भोजन था, बिल्कुल गलत दिया गया है। भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन यानी कि MSP जारी करता है। MSP का पूर्ण रूप क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। जैनियों का पवित्र स्थल श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? हसन जिला में है। संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 प्रदान करता है। शुष्क बर्फ किस ठोस का रूप होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का तरीका नहीं दिया गया है? अपक्षयन जो है यह तरीका नहीं दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2017 प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने लोगों को घर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है? 2.1 बिलियन लोगों को उपलब्ध नहीं है। भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तेज दौड़ यानी कि स्प्रिंटिंग से जुड़ी हुई हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध था? रॉलेट एक्ट के विरोध था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 21 अधिनियम या शासन दस्तावेज में इसकी ने प्रस्तावित किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं दिया गया है? कोनिफोरसाइकोड्स और गोनकिगो एंजियोस्पर्म का उदाहरण, बिल्कुल गलत दिया गया है। तो जितने भी 75 क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने बोला था पिनाकल के जीके का सीरीज चालू करने के लिए उसके लिए आज सॉरी, आपको कल वीडियो जो कंप्लीट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए पहले ही मैं आप लोगों को सॉरी बोल देता हूं क्योंकि आज का डेट था, आज नहीं प्रोवाइड कराया गया, इसे थोड़ा टाइम नहीं था, इस कारण लेट हो गया। कल आपको जरूर पिनाकल का सीरीज आज शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।